आज मौसम बड़ा सुहाना है, चारों तरफ सुन सन्नाटा है। हाँ क्यों? शहर के इस तरफ कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सुन सन्नाटा है। इतने सुन सन्नाटे में घूमने में अच्छा लग रहा है। अरे खुशी, वो पोस्टर जरा देखना क्या है। अरे हाँ सच में, चल जाके पास जाके देखते हैं। अरे इस पोस्टर में लिखा है कि एक बकरी चोरी हो गई है, अगर इस बकरी को ढूंढ के देंगे तो इसका मालिक हमें ढेर सारा पैसे देगा, चल जाके देखते हैं। हाँ ठीक बोल रहा है, ये ठीक रहेगा, चल समय नुकसान ना करके बकरी खोजते हैं। पोस्टर देखे हो लुशी? हाँ, उस बकरी को कैसे भी करके हमें ही ढूंढना पड़ेगा, वरना वो पुशी उस बकरी को ढूंढ कर रातों रात हीरो बन जाएगा और पैसे वाला भी। चल हम लोग ढूंढते हैं। क्या हुआ बकरी लाल, कैसे हो? हाल चाल ठीक है ना तुम्हारा? हाँ नमस्ते मैडम जी, ठीक नहीं है मेरा हाल। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? क्या मैं बताऊँ मैडम, दो दिन हो गया मेरा बकरी नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैडम, कहाँ मैं ढूंढूँ उसे, मेरा छग्गू को। आप चिंता मत कीजिए, खोजिए वो जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है मैं चलती हूँ, घर पे दो बिच्छू अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। कब से मैं गाय को ढूंढ रहा हूँ, फिर भी मुझे बकरी नहीं मिली, क्या करूँ? पागल, गाय ढूंढेगा तो बकरी कहाँ से मिलेगा, अब हमें बकरी ढूंढना पड़ेगा। देखो देखो पुशी, झाड़ी के पास। अरे सच में? रुक कुछ सोचने दे मुझे। एक डंडे में रस्सी लगा के अगर फंदा बनाऊं तो कैसा होगा, बता बता मुझे। लेकिन तुझे पता है इस बकरी का ना रिकॉर्ड बड़ा ही बेकार है, ये इससे पहले बहुतों को मारा है अपने सिंग से, बिल्कुल ये अपने मालिक जैसा गंवार है। आप गलत मत सोचिएगा बकरी भैया, आपको लेके सभी बहुत चिंतित है। आप एक काम कीजिएगा, इस पत्ते को चबाते चबाते मेरे साथ चलिएगा। हाँ बताइए। मैं ये तो बात विचार करने में तो अच्छा है और बड़ों की इज्जत करता है, मुझे भैया बोला। मैं चलता हूँ इसके साथ। शाबाश, ये बकरी तो मिल गया, यही है वो। अच्छा ये पुशी का ही काम है, अब क्या करोगे लूठी? मुझे बेवकूफ बना के पुरस्कार हासिल करना चाहता है। रुक रुक मैं अभी जाके कुछ करता हूँ। ए बकरी, यहाँ पे तुझे पुशी ने लेके आया है ना, अब बात मत बढ़ा, चुपचाप मेरे साथ आ, मैं तुझे तेरे मालिक के पास पहुँचा के वहाँ से पुरस्कार लेके पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। हम दोनों पेट भर के भोजन करेंगे। तेरे दिमाग में बात आई कि नहीं आई, कि कील ठोक के समझाऊं तुझे, बोल चल मेरे साथ। मैं हाँ, तू ज्यादा बोलता है, जितनी बड़ा तेरा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। तू मेरे दिमाग में कील ठोकेगा, मैं अपना दोनों सींग तेरे दिमाग में ठोक दूंगा। तू मेरे मालिक के पास मुझे पहुंचा के पुरस्कार लेना चाहता है, पेट भर खाना खाएगा, अभी मैं तेरा पेट फाड़ता हूँ अपने सींग से। मैं रुक रुक। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ इस बकरी से, बचाओ। मैं
हाँ मेरे चिकू बेटे, 2 दिन से तू कहाँ था? तुझे मैं कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे लिए मैं कितना परेशान हो गया है तुझे मालूम है? ये लो तुम लोगों की पुरस्कार, ये लो 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 लो। पुछी, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्या और करेंगे, पहले जाके रेस्टोरेंट में पेट भर के खाना खाएंगे। अगर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे तो लूसी के लिए जाके एक दर्द की गोली लेके आएंगे। क्यों लूसी, ठीक बोल रहा हूँ? बेचारा, देख के उसको बड़ा ही दया आ रहा है, कैसी अवस्था में पड़ रहा है।